the Prime Minister is afraid of the scrutiny of the India Alliance parties inside Parliament. मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुझे बहुत गुस्सा है, दुख है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 80-90 दिन से जो हिंसा थी वहाँ इंटरनेट बंद था। क्या आपकी गुप्त एजेंसियों से आपको जानकारी नहीं थी? क्या होम मिनिस्टर को जानकारी नहीं थी? क्या आपके मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी? क्या ये हिंसा पहले रुक नहीं सकती थी? क्या ये महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ वो रुक नहीं सकता था? क्या यही बातें आकर प्रधानमंत्री सदन के भीतर कहेंगे? इतना बड़ी हिंसा हो रही है, वहाँ गृह युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है, लोग बंकर बना के अपने अपने गांव को बचाने और मारने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो हथियार है वो पुलिस के पास भी नहीं है, तो क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री को सदन के भीतर नहीं देना चाहिए? क्या उनको सदन में आके नहीं कहना चाहिए कि मुझे गुस्सा है, मुझे दुख है, हम चाहते हैं कि भाजपा राजनीति ना करे, इस मुद्दे पर सदन में आए, अपने फेलियर को माने। मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट से दैट दे आर रेडी फॉर डिस्कशन, ऑल पार्टीज ऑफ इंडिया अलायंस सेज वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। इट सीम्स दैट द ओनली पर्सन हु इज नॉट रेडी फॉर अ डिस्कशन और द ओनली पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू स्पीक इनसाइड द पार्लियामेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। Otherwise, I don't see what is the argument. The argument that the stalemate that exists is because the India Alliance parties are saying it is the moral, ethical and constitutional responsibility of the Prime Minister to speak inside Parliament, and the BJP are defending him. The BJP are defending the Parliament, defending the Prime Minister. They are protecting the Prime Minister from the scrutiny of the opposition. So it seems as if the Prime Minister is afraid of the scrutiny of the India Alliance parties inside Parliament over his gross mismanagement of Manipur. He is scared of a debate inside Parliament. इतनी बड़ी ये घटना है, वारदात है, प्रधानमंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? देश के प्रधानमंत्री जी की आने में दिक्कत क्या है? उनका बड़प्पन जो है और बढ़ जाएगा? बड़े नेता है, विश्व के नेता है, आप आइए 10 मिनट बात करिए, 5 मिनट राज्यसभा को दीजिए, 5 मिनट लोकसभा को दीजिए, लेकिन आप इस सदन को मानते नहीं, डेमोक्रेसी को मानते नहीं, अपोजिशन को मानते नहीं। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। देश की संसद में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के वक्तव्य से अवगत पुनः कराना चाहती हूं। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। हम अचंभित हैं
कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। मैं तो पुनः अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आइए सदन में चर्चा कीजिए, वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं पुनः कहती हूं कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है, ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने की।